हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में क्या है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब अभी हमने अगर, हाँ बच्चों, एक आपको एडवाइस है, अगर आप इंट्रोडक्शन इसका देख लेंगे तो एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। इसलिए मेरी एडवाइस है कि पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें, फिर एक्सरसाइज देखें, और ऐसा करें कि पहले खुद सॉल्व करें उसके बाद ही इसे अटेम्प्ट करें। पहले जब ना आए, कहीं फंसे तभी देखें, फिर सलूशन अपना और इसका मैच करना है। अब देखिए कि कैसे क्वेश्चन नंबर वन होगा। अभी हमने बताया था आपको, ये फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में भी सेम क्वेश्चन दिया है, cos 75 डिग्री। अब ये दोनों देखिए, यहाँ पर 72 डिग्री, अब दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से कम हो। अब दोनों एंगलों को अगर हम प्लस करें तो क्या आ रहा बच्चों, 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 90 डिग्री। हमने कहा था जब दो कोणों का यो साइन कॉस हो, टैन कॉट हो, सेक कोसेक हो, और दोनों कोणों का योगफल 90 हो, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आती है, 1 आंसर आता है। ये याद रखिएगा बिल्कुल, ऐसा अगर सम्स दिया गया है तो उसका आंसर 1 ही होगा, फट से टिक कर दीजिए। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर 18 को हम उधर भेज दें, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 90 माइनस 18। अगर हम इसको 90 में घटाएंगे 72 आ जाएगा, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18। तो यहां पर लिखते हैं साइन 18 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा, 72, ये 72 लिखा हो, 72 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18, तो यहां पर 90 माइनस 18 आ जाएगा। ठीक, अब हमने बताया था कि कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, तो साइन लिख दिया। अब थीटा के लिए क्या, 18 डिग्री, तो 18 लिख दिया। अब साइन साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बच्चों, तो आंसर 1 ही आना है। अगर इनका सम 90 होता है, साइन अपॉन कॉस हो, टैन अपॉन कॉट हो, सेक अपॉन कोसेक हो, तो ऐसी कंडीशन में आंसर 1 ही लिखना बेझिझक। आप देखिए, ये देखो उसी टाइप का सम ये है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टैन 26 डिग्री। अब 80 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 90 में अगर ऊपर वाला नंबर घटा दो तो सिंपल सी बात कि वही आएगा। एक मिनट, यहां पर गलत लिखा है, यहां 64 डिग्री होना चाहिए, क्या 64, तभी 90 आएगा। आप अगर 26 हम माइनस कर दें तो आ जाएगा वही 64, 90 में क्या माइनस करें, इस 22 आ जाए, ये 64, 90 में 26 अगर घटाओगे, 90 में 26 अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा, 64 ही आएगा। तो 64 को 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, वही लिख दिया। अब पार्ट किसमें कन्वर्ट होता है, टाइन में, तो इसको हम टाइन लिख लेंगे, ये क्या आ जाएगा, टाइन आ जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 आया ना फट से। तो ऐसे सम्स में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ध्यान से करिएगा, जरूर आएगा। ये याद रखिएगा, कन्वर्जन साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में चेंज होते हैं, ये बिल्कुल। आप देखो ये, अब इसमें हमने कहा था कोणों का योगफल 90 हो, कोणों का योगफल 90 हो, अगर माइनस में हो तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है, 0 आंसर आता है। भी लाके दिखा रहा हूं, देखिए अब हमारा क्या है, cos 48 डिग्री, ये साइन है। अब 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में इधर वाला नंबर घटा दो, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो दूसरा नंबर होता है 90 में घटा दो, नीचे वाला ही बदला था, आप ऊपर वाला बदल सकते हो, कोई जरूरी नहीं नीचे वाला बदल, ऊपर वाला भी बदल सकते हो, 90 में नीचे वाला नंबर घटा दो बस,
अब इसमें देखो 90, अब इसको बदलो चाहे उसको, एक को बदलना है 90 में। अगर इधर वाला बदलना तो ये नंबर 90 में घटा दो, अगर इधर बदलना था 90 में ये नंबर घटा देते, सिंपल सी बात। अब देखिए 48। अब बच्चों वीडियो अगर लाइक ना किया हो तो लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर कर दो दोस्तों को। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस लिख दिया, थीटा क्या हमारा 48 डिग्री। अब ये माइनस का है प्लस का, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, जीरो डिग्री आ गया भाई, जीरो आया, जीरो डिग्री नहीं जीरो, प्लस माइनस कट गया आंसर जीरो आ गया। ये थर्ड पार्ट रहा बच्चों, एक पार्ट और फोर्थ बचा है वो भी करके आपको दिखा देते हैं। कोसेक 31 है क्या, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, अब सेक कितना है 59 डिग्री। अब आप भी क्वेश्चन बना सकते हो ऐसे, बस अलग इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, बस सेक कोसेक हो, कॉस साइन हो, कॉट टैन हो, क्वेश्चन खुद बना सकते हो। आप देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक को चेंज कर देते हैं, इसको जो इसको, तो अब उस हर बार इसको बदले इधर, तो अब इसको बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक 31 है, हम 90 में इधर वाला नंबर माइनस कर देंगे, 31 आ जाएगा। ये जैसे उतार लो, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब इसको कॉस कोसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। कन्वर्जन बच्चों हाँ जरूर पढ़ लीजिएगा, किसमें चेंज होता है। अब ये देखिए ये माइनस का है प्लस का, आंसर आंसर क्या आ गया, जीरो। तो बच्चों जब ये डिवाइड में होंगे तो आंसर 1 आएगा, और माइनस में होंगे 0 आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है दिखाइए कि 48 डिग्री टाइम 48 टाइम 23 टाइम 42 टाइम 63 बराबर 1 हमें प्रूफ करना है। दो पार्ट दिए गए, उसमें 0 प्रूफ करना है, इसमें 1 प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसान है, बसलते ध्यान से देखते जाओ सिर्फ कैसे करते हैं। देखिए ये कौन सा पक्ष होता है, LHS होता है, RHS को सबसे पहले क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री लिख दिया, डिग्री आप लोग लगा लीजिएगा ठीक। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से एंगलों का सम 90 होता है, जैसे 48 और 42 90 होता है और 23 ये 90 होता है, तो इन दोनों को हम बदल लेंगे, चाहे इन दोनों को बदल लें। देखिए tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री ठीक। अब tan 42, अब 42 और 48 का सम 90 हो रहा है, होता है ना, तो अगर 48 और 42 का सम 90 हो रहा हो तो 42 को हमें अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 90 में 48 घटा देंगे तो आ जाएगा 42 ठीक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। अब 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, क्योंकि 63 और 67 का सम 90 होता है, तो एक नंबर घटा देंगे। इसको बदलना होता तो ये घटाते हैं, इसको घटा, इसको बदलना है तो ये घटा देंगे, इजी। अब देखिए tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब cot थीटा क्या है हमारा 48, और ये अब tan ये भी cot में चेंज होगा, थीटा क्या हमारा 23 लिखती है ठीक। अब देखिए टाइन का क्या होता है बच्चों, टाइन का उल्टा कॉट होता है, ये पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो टाइन का क्या होता है, 1/cot, कॉट लिख दिया, तो
cot का 1 upon tan और tan का 1 upon cot, ये चीज याद रखिएगा, cot है 1 upon tan और एंगल वही रहता है, ये चीज याद रखना। अब 48 से 48 कैंसिल, 23 से 28 कैंसिल, 1 जा 1, आपका आंसर आ गया RHS, प्रूव्ड हो गया, यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हो गया। ठीक, अब ये सम्स करते हैं, देखिएगा मजा जरूर आएगी, प्यार से करिएगा सम्स को। सबसे पहले इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, देखो LHS ले लिया, क्या है LHS, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब दोनों को हमें इसमें जीरो लाना है, तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एंगलों का सम क्या हो रहा है 90, इसमें भी सम 90 हो रहा है, तो सबसे पहले एक को बदल देंगे, देखिएगा एक को इसमें बदलना है, cos 38 है, इस cos को बदल दो, 90 माइनस 38 कर दीजिए। ठीक, इसमें भी एक को बदल देना है, 90 में माइनस कर दो 52, क्या आ जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 38 माइनस कर दो 52 आ जाएगा, आएगा ना। तो क्या करते हैं, अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं, ये cos 38 आ गए, अब इसको खोलेंगे तो sin 38 आएगा, cos किसमें कन्वर्ट होता है, sin में, और ये sin किसमें होता है, cos में। ठीक, अब देखिए, अब cos 38 sin 38, इसको पहले sin लिख लीजिए, sin 38 cos 38 माइनस, इधर तो सेम ही लिखा हुआ है, अब देखिए दोनों सेम है, ये प्लस का है माइनस का, कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था RHS, देखिए जीरो है, जीरो आ गया, तो वही चीज हमें लिखना था। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अब तक अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो बच्चों लाइक कर दीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अगला सम्स फिर करते हैं। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहां 2a जो है वो क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है, तो उस कंडीशन में हमें a का मान बताना है, क्या होगा, कितनी डिग्री a का मान आएगा। तो आओ देखते हैं, हल करते हैं इसे, क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमें दे दिया गया। अब देखिएगा कैसे इसे सॉल्व करते हैं, बच्चों tan को हम क्या लिख सकते हैं वो चीज हमें ध्यान देना है, देखिएगा tan को हम क्या लिखते हैं, tan a को क्या लिखा जाता है, cot 90 माइनस a लिखते हैं, लिखते हैं ना, cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a, तो इसको हम cot में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, cot 90 माइनस 2a, जब इसको ओपन करेंगे तो tan आ जाएगा, जैसे इसको खोला तो tan आया, अब यहाँ a है तो यहाँ a आएगा, अगर यहाँ यहाँ 2a होता तो यहाँ पर भी क्या होता, 2a होता, यहाँ 2a है तो यहाँ हो गया, वही चीज इसे लिखा, इस साइड वाला ऐसे ही लिख देना है, a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ cot cot है, कोणों की तुलना कर लेंगे, इसको बराबर इसके लिख लेंगे, यहाँ लिख लो, कोणों की तुलना करने पर क्या, कोणों की तुलना करने पर, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ cot cot
सेम है, तो 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। तो 18 नंबर को अब एक साइड कर लो और a को एक साइड, तो ये माइनस का है 90 के पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2a माइनस का उधर गया प्लस हो जाएगा a में। तो अब इसको जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये 2a में एक और मिल गया, 3a हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटे 3। अब ये गुणा में इसलिए बटे में आ गया 3, तो 3 बन जा 3, 3 जा 3, 6 जा, तो a का मान हमारा क्या आ गया, 36 डिग्री। ये देखो न्यून कोण आ गया, a का मान कितना है 36 डिग्री आ गया। अब बच्चों एक सम्स और करते हैं, देखिएगा ये तो थर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कहा जा रहा है यदि टाइम ए बराबर टाइम बी, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, यदि टाइम ए बराबर टाइम बी ये हमें दिया गया है, तो कहा जा रहा है तो सिद्ध कीजिए है, तो सिद्ध कीजिए क्या, सिद्ध कीजिए कि क्या a प्लस बी बराबर जीरो डिग्री। ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, क्या 90 डिग्री ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे आएगा बच्चों देखिएगा, अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, टैन a बराबर टैन b ये हमें दिया गया है। तो सिंपल सी बात देखिएगा, a को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, a को अभी हमने कहा था, अब टाइम a क्या होता है, cot 90 माइनस a होता है, होता है ना, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, cot a को ये लिखा जा सकता है। तो देखो अभी प्रूफ करके आपको दिखाता हूं, अब ये हमारा आ गया ठीक। अब इसे हम सिंपलीफाई थोड़ा करेंगे, देखिएगा टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, या टैन बी को एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टैन ए बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है बच्चों यहां पर कॉट लिखा हुआ है, क्या कॉट बी ठीक, यहाँ कॉट बी लिखा हुआ है, क्या कॉट बी। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, अब ए कॉट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टैन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, बी है तो बी लिखेंगे, बी लिखेंगे ना कॉट, अगर हम 90 माइनस ए बराबर क्या होता है टैन होता है, तो वही चीज लिखे, यहाँ टैन है तो इधर कॉट, यहाँ कॉट है तो यहाँ टैन, बताया था कि टैन कॉट में होता है, कॉट टैन में, ये चीज याद रखिए। अब टैन तुलना कर लो तो टैन टैन हट जाएगा, या तुलना करने पर तुलना कर लेंगे तो इधर ए, इधर क्या बचा 90 माइनस बी, अब बी इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, प्रूव हो गया अपना ए प्लस बी 90 डिग्री आ गया। कितना आसान है, बहुत आसान, बस कन्वर्जन याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ रहा बच्चों। तो अब तक अगर किसी ने वीडियो लाइक न किया हो अब तो कर दो, दोस्तों को शेयर वर्क कर दो, अगर नए यूजर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इसको फट से नोट कर लो बच्चों, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या है, यदि सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20 है, जहां 4a क्या है एक न्यून कोण है, तो a का मान बताना है हमें क्या होगा। ये ऐसा एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन में भी किया है, इसके पहले भी एक सम्स किया है, और इसे भी देखिए करते हैं, कोशिश आप करिएगा पहले, बाद में सोल्यूशन देखिएगा, आप खुद सॉल्व करो, जब ना आए तो आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, तब तक पॉज कर दो, खुद सॉल्व करो ओके।
अब हल करते हैं हम, आप लोग वीडियो पॉज कर दो, खुद हल करो, फिर मैच करिएगा। सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब हमें बच्चों एक को बदलना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, sec को हमने कहा था cosec में कन्वर्ट होता है, तो cosec लिख लेंगे 90 माइनस 4a, जो एंगल होता है वही घटा देते हैं 90 में, इधर का वैसे ही लिख देना है cosec a माइनस 20 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना, जो एंगल होगा वो माइनस कर देंगे 90 में। अब कोणों की तुलना कर लेंगे, क्या कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक, आप ए ए एक तरफ कर लो, नंबर नंबर एक तरफ, तो 90 20 इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4 है उस तरफ गया प्लस हो गया, ये तो इधर पॉजिटिव हाई है, तो ये कितना हो गया 110, 90 में 20 प्लस किया 110, और 4a में एक और a मिल गया 5a, तो a हमारा क्या हो जाएगा 110 बटे 5, 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा, तो ये हमारा क्या आ गया 22 डिग्री, तो ये का मान आ गया हमारा। ठीक, 4a न्यून कोण था, ये का मान ज्ञात करना था, तो ये आ गया। अब 4a न्यून कोण कैसे, ये को इसको मल्टीप्लाई करो 88 आएगा, जो एक न्यून कोण है, हमें सिर्फ a की वैल्यू बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा बच्चों, अब एक क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, तब उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसके लिए एक अलग क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए स्पेशली इससे हट के एक वीडियो अलग वही होगा 5 मिनट का। अभी क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 7, आसान है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है हमारा दिया है 767 डिग्री साइन 67 डिग्री प्लस दिया है cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री। अब इसको हमें बताना है 0 और 45 के बीच त्रिकोणमिति अनुपातों में कन्वर्ट करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। 90 में हम क्या माइनस करें, 90 में क्या माइनस करें कि आ जाए हमारा 67, तो घटा के देख लो, यहाँ 10, 10 में 7, 3, 8, 8 में 2, 23 घटाएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 23 डिग्री, 60, अब 23 घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया अभी, तो साइन ही लिखना है, क्या साइन, अब 67 को 23 माइनस कर देंगे 67 आ जाएगा, प्लस आप 75 को क्या लिखेंगे, 90 में 15 घटा दो 75 आ जाएगा, आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, तो थीटा क्या हमारा 23 डिग्री, और कॉस किस में चेंज होता है साइन में, कोण हमारा क्या 15 डिग्री, तो दोनों आ गए 0 और 45 डिग्री के बीच में दोनों त्रिकोणमिति अनुपात, तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, इसलिए इसको कहा था कि पहले कर दूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 और 7 रहा, 6 के लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसलिए उसका अलग से वीडियो पड़ेगा, इस सबके साथ सोल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, देख लीजिएगा जरूर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी, और इस सोल्यूशन जो एक्सरसाइज 8.3 का है, जिसने इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, हाँ बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली एक्सरसाइजों की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, नोट इट डाउन।